बेवकूफ और चूतिये में धागे भर का फर्क होता हैगा भैया। धागे के इंगे बेवकूफ और उंगे चूतिया, और जो धागा हेंच लो तो कौन है बेवकूफ और कौन है चूतिया, करोड़ रुपए का प्रश्न है भैया। देखें तो सही कि दूल्हे राजा के हैं। तू तो बेवकूफ हैगा। हाँ जी हाँ। हाँ, चूतिया तो आदमी शादी के बाद ही होए, और तेरी तो शादी होनी नहीं। हाँ जी हाँ। हाँ, नहीं होनी। तेरी दुल्हन को आधा बामन ठाके ले जा रही है। ओमी भैया। हाँ जी हाँ। याड़ी याड़ी बैलगाड़ी, तू मेरा यार है इसलिए कह रही हूं। वो मुंह बैठा और तीर बन के निकल, पिछवाड़े में कूदा है तो डॉली को बचा ले। जा, बारात इससे आगे नहीं जाएगी। अजी हाँ। आय हाय तेरे टशन सर, झूठा। मैं झूठा तो कुत्ते का जाना, और सच्चा तो तेरी मां का कसम है। बारात आगे नहीं जाएगी। बारात आगे नहीं जाएगी, सुना नहीं? चल मोबाइल पकड़ सबके। चल मोबाइल। धर्मशाला पहुंची है, पता करके बताओ कहां है, जल्दी करो। अरे भैया पता नहीं कहां मर गई है बरात, नंबर भी नहीं लग रहा किसी का। सॉरी सॉरी सॉरी, रुक रुक, लाल वाला नहीं, नीला वाला फाइनल। चल चलो। अरे क्या हुआ भाई? ए लंगड़ा भैया, अरे अरे क्या हुआ? ए लंगड़ा भैया, अरे चल ना। ए लंगड़ा भैया क्या हुआ? चिरी पट्टी का मनी ऑर्डर आया क्या? मनी ऑर्डर आएगा तेरी माँ का साढ़े चूतिया बना रखा है, कभी लाल कभी नीला कभी पीला कभी हरा। एक बार छान से बैठ के सोच ले, फिर जो बोलेगा वही फोड़ूंगा। हार ना तो तने है ही बाइक गार्ड की कसम। चल आजा मेरे चंद्र, है पीला हमारा। चल चल पक्का चल। अगड़म बगड़म लुगड़ा लगड़म चू। ले तेरी माँ का, ले 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 साले।
कंचेबाजी का टूर्नामेंट करा लो तो सारी दुनिया की ब्रांड की टिकट पर रेड की दाढ़ का बीज रख दूंगा। साला है कोई माइक का लाल। भूमि कहाँ है? कहाँ है? I don't know, man. साले फिरंगी! दस घर छोड़ के मुड़ता है होमी। पूरे प्रदेश में हमारी ही बेटी मिली थी तुझे, हैं? पर गलती तो मेरी ही है। भूल गया कि तू बामन तो है पर आधा आधा खून तो तेरे बदन में उस कंजरी का भी है। हरामी साले, हमारी जात तो खूब पहचानी है आपने वकील साहब, पर अपनी बेटी के दिल की बात नहीं सुन सके। कठोर भाई साहब बन रहे हैं बैं। प्रणाम भाई साहब जी। बढ़िया जी, मम्मी भैया भी जाइए और वकील साहब भी जी। वकील साहब मम्मी भैया पे पिस्तौल ताने खड़े हैं, दागने की दे रहे, बस दाएं दाएं और भेजा आउट जी। बस अभी एक सेकंड भाई साहब। क्या हो रहा है भाई? वाह वकील साहब, हेलो वकील साहब। अरे भाई खामोशी से तो काम नहीं चलेगा बंधु, बोलना तो पड़ेगा ही। भाई साहब मेरी बेटी को बीच मंडप से अगवा करके ले गया ये हरामी। हाँ पता है मुझे। अब मैं भी आप लोगों को एक ताजा समाचार दूं, आपका वो चश्मदीद गवाह जलालुद्दीन मस्कत से वापस आ गया है। अगले हफ्ते केस की तारीख है, एक दूसरे को गोली ना मारो, जिंदा छोड़ो, वहां कोर्ट में मिल लेना उससे। अच्छा भैया नमस्कार। समाचार कंफर्म है भाई साहब, इंदौर सिंह ही गया था मस्कट, और ये सुरेंद्र कप्तान है ना जो, ये उसका बाहुबली बन गया है। वो पिलखे वाले ईटों का भट्टा है ना, उसके पिछवाड़े छिपा रखा है उसे। पर इंदौर सिंह ये पड़ी लकड़ी काहे उठा रही है भाई? घोड़े के खुर में जब नाल ठुके तो मेंढ की भी पांव उठा लेती है भैया। किसी तरह का मादक पदार्थ, हथियार दिया सलाई या मोबाइल सिम कार्ड ले जाना वर्जित है। मादक पदार्थ, हथियार, लाइटर, दिया सलाई या मोबाइल सिम कार्ड अंदर ले जाने की मनाही है। मुलाकातियों को सावधान किया जाता है कि जेल के अंदर सारी चीजें अंदर ले जा रहे हो, क्या कार्रवाई करेगा तू? चल झुट्टा तेरी माचा। अब्बा मार। बचपन से देख रहा हूं ओमकारा को, कभी किसी लौंडिया का चक्कर शक्कर सुना तो नहीं मैंने? Yeah.
आपने लॉली को भी तो बचपन से देखा है भाई साहब, आपको लगता है वो अमी जैसे डरावने जाहिल गुंडे के साथ अपनी मर्जी से गई होगी? कल से चूल्हा नहीं जला घर में, अब बिरादरी में नाक कटी सोल, और फिर अपने फूल को उस दैत्य के हाथ में कैसे सो, जात का भी तो आता है नहीं तो आप मेरे बड़े बाबू देखे। हाँ बोल देना कप्तान को। वो भी भैया चलिए जो अगुवाई का काम करे सो हिचड़ा भाई साहब, इनकी बेटी अगर हमें झूठा बोल दे तो अपनी जबान काट कर जिंदगी भर उससे इनकी चूतियां चमकाए का ओंकारा। डर को मन से बिल्कुल निकाल दे बेटा और खुल के बता कि किसी ने तेरे साथ, और किसी ने मतलब किसी ने भी तेरे साथ जोर जबर किया है? डर मत बेटा, हम हैं यहां, सच सच बता। हम तो अपनी मर्जी के गुलाम हैं जी, बस बाबा हमें माफ कर दें, हम ओमकारा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। अपने दिल की चौकट उलांग के हम ओमकारा की दहलीज की दासी बन गए थे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, मगर जब तक ये जान पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नैनों की मत मानियो रे, भला मंदा देखना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का। ओमकारा की आग में गल रहे थे हम, अंधेरे अंधे कुएं में डूबती चिड़िया सी हो गए थे, कोई रास्ता नहीं सुझाई देता था। और फिर हमने अपनी जान देने का फैसला किया, तो ख्याल आया कि जिस जालिम के लिए मर रहे हैं कम से कम उसे पता तो चले। बादलों में सतरंगी लज्जू घर से हमारी लाश ब्याह कर ले जाएगा, इस जन्म में तो तुम्हारी हिम्मत होगी नहीं, सो हम ही कह देते हैं जी बस, हम सिर्फ तुम्हारे हैं।
और तुम्हारे ही रहेंगे। अपने कत्लों की फेरिस्त में हमारा नाम भी जोड़ लेना। आई लव यू, योर्स फॉरएवर, डी। ठीक है, अब जो हुआ सो। चलो बेटा, दोनों वकील साहब का आशीर्वाद रहा। कितना भी होता बोला मत चाहिए हो कि मेरे बाहर निकलने से पहले ही सर्दी मना ले। जेल में रहने से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट में गवाही दर्ज हो गई ना तो चुनाव आयोग हमारा लोकसभा का नॉमिनेशन खारिज कर देगा। और अगर वो लोग सीधे रास्ते ना माने तो गो अहेड। बाहुबली, औरत के तरिया चरित्र को मत भूलना। जो लड़की अपने बाप को ठग सकती है वो किसी और की सगी क्या होगी। जितना चाहे भर ले। रा पकड़िए रे, उड़ गया सुसरा। रा की चलू, मारी किस्मत में भी हराम की कमाई लिखी है। हराम की कोण्या भाई, क्यों पड़ी लकड़ी मट्ठा कप्तान, क्या चाहिए बोल। लोकसभा की सीट मारे इंदौर भाई साहब 5 साल से चूतड़ घिस रहे उसकी खातिर। 5 जन्म तक भी घिसेंगे ना तब भी तिवारी भाई साहब नहीं हारने वाले। सत वचन भाई, सत वचन। मगर भाई साहब खड़े होंगे तब ना। इतने की तो ठुकाई ना होगी जितने का पेंट कोट फाट जाएगा, समझा ना। ठीक है साला। सही है। रौमी रोटी ना खा के जाएगा, तेरी भाभी ने साग बना के भेजा तेरी खातिर। ओ तेरी, इसकी तो कितने फोन तोड़ेगा कप्तान। हर चैनल के बाहर लौंडा बैठा है अपना।
ले, कम से कम पूरा तो देख ले, ले देख। सॉरी कप्तान साहब, पर इंदौर भैया को जड़ा संभाल के रखा करो, ससुरा निरोध तक नहीं पाने। देखो ये लौंडिया कौन थी वे? इंदौर भाई साहब, कल रात कौन सी मीटिंग में जा रहे थे आप भला? हाँ, घाघरे में घुस के हो रही थी फंड रेजिंग, अब जिंदगी पर टीवी पे बैठ के देखी लोकसभा ने। राम मान गए उमी भैया, तने मान गए, तू ही सबसे बड़ा एक बाहुबली है भाई, तेरे तो पेशाब से भी चिराग जले पूरे प्रदेश में। मगर यार जानते पहले एक गुत्थी तो सुलझा जा, या किचलू है ना किचलू, इसमें और मारे में शर्त लगी है पूरे 100 रुपए की, या बोले है कि तू पानी डाल रघुनाथ की लौंदी से इशक करे, और भाई साथ दी तो तू करे ही करे, मगर मैं बोलूं अपना उम्मीद बावला थोड़ी ना हो रहा है, ठोकेगा पीटेगा छोड़ देगा। अबे खिचड़ी 100 का नोट देना बेटी छूत। उम्मी भैया, गांव में जाके सबको बता देना कि कप्तान शरद हार गया। अपना 100 रुपया मांग कप्तान से। मांग। अरे माथे पर त्रिशूल के जैसे तीन तीन बल पड़ते हैं, कान पे जूरेंगे तो भैया रान बजा चल पड़ते हैं। गली गली में, अरे गली गली में, रथ घोड़ों पे लगाते हैं कठोर, शेरों पे नहीं। अरे धम 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 धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओंकारा रे ओंकारा। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, झंकारा।
अग्रवाल है और नौजवान सोशल वर्कर ओमकारा शुक्ला को विधानसभा का प्रत्याशी चुना गया। तो भाई साहब फिर तो जनता भी ये जानना चाहेगी कि ओमकारा की जगह कौन लेगा, कौन होगा पार्टी का नया बाहुबली। हेलो हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो भाई साहब। हाँ क्या प्रश्न था आपको? कट गई लगता है। लगा भैया, लगड़ा भैया, लगड़ा भैया, लगड़ो भैयो। चरण कहाँ है आपके? जूतिया बनवाने भेजे हैं। जूतिया? अरे चुम्मा ले रहे तरनों का बाल, आपको मेरी कसम। धन बेटी चल। भैया भैया नए बाहुबली तो बड़े जाली में। के? लंगड़ा त्यागी बाहुबली, बाहुबली लंगड़ा त्यागी, 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 लंगड़ा त्यागी बाहुबली। शाही नमः ओम श्री हरे तदेवलगनं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रवलं तदेव विद्याबलं तदेव बलं तदेव लक्ष्मी।
पूरे जनपद के कॉलेज के सुखी मुट्ठी में बंधे। बाहुबली शिक्षित और सभ्य हो तो चुनाव भी एक तरफा होगा। और लंगड़ा अपना भाई है, समझ जाएगा। नजर ना लगे, का जोड़ी है बिल्कुल जैसे कोयले के लोटे में दूध। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा गलती हो गई। नहीं नहीं, जैसे जैसे कबे की चोंच में बर्फी। नहीं 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 नहीं, माफ कर दो भैया। जैसे अमावस की गोदी में चंदन। माफ कर दो, सच बताती हूँ, जोड़ो में भैया सच बताती हूँ, जैसे कारे कन्हैया के होठों पे बांसुरी। या छू के देख लेता है। का देख रही है काकी? अरे देख रहे भैया, कहीं चूना खड़िया तो नहीं पास। ऐसी गोरी लौंडिया हमारे देश में ससुरी कहाँ से होली? राम राम चाचा, कैसन हो? अच्छा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। भैया रज्जू आया है, मिलोगे? भेज दे मेंटर पर वेपन वही जमा कर। जी भैया। हाँ जी भैया। जा तू। दीदी, वो पंडित नहीं आया? अरे मेरी पंडिताइन, श्राद्धों में शादी का साया नहीं पड़ता? थोड़ा सा तो सबर करना ही पड़ेगा मेरे दुल्हनिया को।
का खुशबू है? अरे चमक चलो, तू तो कड़ी रसोईया निकली। ससुरी कहाँ से सीखा यह हलवा बनाना तेने? दादी से। वो कहती थी कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से फूटता है। ले, मेरी दादी तो कहते थे कि पेट के नीचे वाले हिस्से से फूटता है। ये पापा ने भेजे हैं चुनाव के लिए। पर चुनाव तो बहुत दूर है अभी। हाँ जी हाँ, दूर तो हम हो रखे हैं आपसे। उम्मीद भैया कतई मिस्टेक नहीं थी हमारी उस कांड में। जरा भी भनक होती ना हमें आपके मुंह की तो फेरों की अग्नि को अपने मुंह से बुझा डालते हम। चलते हैं। ओए अब शाम ढले किंगे जाएगा, रुक जा, कल गोलू का जन्मदिन मना के जाइयो। गोलू का हैप्पी बर्थडे? कितने साल का हो गया बड़ा अपना गोलू? गोलू है तू आठ का है कि नौ का बे? ओ हलवा बनाया है, जरा चखे बताना। मीठा ठीक है? एक बार अपनी उंगली और घुमा दे कढ़ाई में, फिर ठीक हो जाएगा। अरे मेरे देवदास, दारू में थोड़ा सा पानी भी मिला दिया कर। ले, अरे ये ले। यारी देख, मैंने तो तने मौका दिया था, पर तेरे पिछवाड़े में गुदा है ही नहीं, समझा? गुदा है, गुदा है। उस दिन पंचर हो गए थे हमारे मोपेड, इसलिए देर से पहुंचे। नौली के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, समझे? और मत पी, चढ़ गई है तने, जान दे सकते हैं। जान दे सकते हैं हम। ला बोतल दे पहले। छोटा नहीं कर रहे हम, सच नदी में कूद जाएंगे। दूर साला, सच में कूद जाएंगे। ओए तो मैंने गोटियां पकड़ रखी हैं क्या तेरी? जा कूद जा। डॉली। अबे कूद, डॉली डॉली की कर रही है? कूद मादर चोद। तुझे तैरना नहीं आता? तेरी माँ की साड़े। देखा लंगड़ा भैया, गोदा है हमारे पिछवाड़े में, पर बात गोदा की नहीं है, बात है धंधा की। हम कुछ उलट सुलट कर देंगे, हमारे बाप के ठेके छिन जाएंगे।
और तुम लंगड़ा भैया, तुमने क्या उखाड़ लिया जब ओमी ने सबके सामने केसु को बाहुबली बनाया? हैं? मैं नहीं जानता, 15 साल से डेढ़ टांग पे घिसट रहे थे उस आदि शुक्ला के पीछे पीछे। लंगड़ा त्यागी बाहुबली, बाहुबली लंगड़ा त्यागी। वो साला कल का फिरंगी लौंडा आया और सबके सामने तुम्हारे मुंह से मालपुआ खींच के बकोस गया। तब तुम्हारा गुदा किंग गया था कंपनी गार्डन। सच कह रही है तू रज्जू, असल में हम दोनों की किस्मत गधे की लिंग से लिखी गई है साड़ी। तेरी बहन की टिक्का के रेड की दाढ़ का बीज साड़े। नदी बड़ी ठंडी थी साड़ी, लड़ा सा लग गया। चल इस बहाने तैरना तो सीख गया। अब आज से उड़ना सिखाऊंगा तुझे कबूतर की तरह अपने पंखों पे यूं, और साथ में होगी कौन? डोली। दोनों उड़ जाना दूर गगन में तारों के पास। चल झूठा। मैं झूठा तो कुत्ते का जाना, मैं सच्चा तो तेरी माँ का कसम। फुर्सत मिल गई आराम खोर। बाहुबली से नजर झुका के बात करते हैं, समझी? खैर मेरे लहकट लौंडिया बाज। ओए जवान, काट लेंगे तेरी। काटना तो छोड़, चाटने भी नहीं दूंगी। ए बिल्लो चमन बहार,
Do you know why I love you, Billon baby? क्यों? क्योंकि तुझे पता है कि तू घनी खूबसूरत है रे। और तुझे पता है मैं क्यों आशिक हूँ तेरी? क्योंकि तू हर तीसरी लड़की से यही बात बोलता है साले कमीनखोर। ओए। बताया नहीं तूने? क्या? घर बसाई मेरा। अरे छोड़ कमीने। साध्वी से कोई औलाद नहीं जड़ी गई इस घर में सालों तक, और फिर बाबा को हिसक हुआ और हिसक से हुए हम। दूसरी बिरादरी की थी हमारी माँ, इसलिए जात का आधा कहते हैं हमें। चांद जब आधा हो जावे है ना, तो भी चांद ही कहलावे जी बस। क्या हो? सवेरे चनका सा आ गया कमर में। यार ये बाहु बड़ी कहाँ घूमो गए भैया, दिख नहीं रहा है कहीं। जुग बजा रहे जुगल बंदी चालू कर। अरे रे बाहु बड़ी इधर भी तो आइए जरा। हम छोटे लोगों की खुजली पे तो कभी ध्यान दीजिए तनिक। अरे टिकाइए हुजूर, टिकाइए। कहा ईश्वर भैया, सुबह से और कोई मिला नहीं क्या? कहा पेश कर। नहीं बस चाय आ रही है हमारी। चाय? मदिरा पान नहीं करेंगे सर का? ना भैया ना सर, ये यही चीज तो है जो संभलती नहीं हमसे। अच्छा आई मेंटल, अभी के अभी शहर जा और एक दूध की बोतल लेके आ बाहु बड़ी के लिए। निप्पल वाली। ले से कमर में। किसका जेवर है ये? जेवर नहीं है, हमारे पुरखों की इज्जत की पूंजी है। इस घर की बहुओं की कमर में पीढ़ियों से छनकता चला आ रहा है, आज से ये तेरी अमानत हुआ। हिफाजत से रखियो इसे। पहले पैन तो जरा। पहले तू नजर बंद कर अपनी, फिर पहनूंगी तेरा एक कमर बंद। जी जी बीड़ी वाला गाना। जिस गाने की फरमाइश आप लोग कर रहे हैं उसके अल्फाज भूल चुके हैं हम। याद दिलाए देते हैं। नगला ना लिखा ना
ना गिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी ना गिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी हो इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ लहिले हो जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया जिगर माँ पड़ी आग है बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया जिगर माँ पड़ी आग है धुआँ निकारी ओ लब से पिया कसूर न फतूर बिना जुर्म के हजूर मर गए हो मर गए ऐसे एक दिन तो पहरी बुला लियो रे बाद घुंघरू कचहरी लगा लियो रे बुला लियो रे बुला लियो रे दोपहरी लगा लियो रे लगा लियो रे कचहरी तो ये कमर बंद और की सलोना हो न तो चक्कुआ की धार हो न दराती न कटार न तो चक्कुआ की धार न दराती न कटार ऐसा काटे के दांत का निशान छोड़ दे ये कटाई तो कोई भी किसान छोड़ दे जालिम का छोड़ दे मकान जोड़ दे रे बिल्लो जालिम का छोड़ दे मकान जोड़ दे रे ऐसे जालिम का वैसे जालिम का ऐसे जालिम को छोड़ दे मकान छोड़ दे
तेरी बहन केटुए में जान नहीं है या मुंह में चबाण साड़ा कौन शुरू किया था राड़ा लंगड़ा अभी जान दो मैं भैया सवेरे बात करें पड़ी लकड़ी मत डा जो पूछ रही हूं जवाब दे कसूर किसका है दारू का सारा कसूर दारू का है और मेरा इस भोले बच्चे ने तो बोला था कि दारू समझती नहीं इससे मैंने उंगली की बेचारा पी बैठा पहले मुझे सजा दो अमी भैया फिर इसे बाहुबली कसूर ना दारू का है और ना लंगड़ा का कसूर है मेरा जो तुझे बाहुबली बना बैठा मेरी नजर के सामने पड़ियो मत ही कुछ रोज वरना खाल उतार कर पिंजर धूप में सुखा दूंगा अरे ओमी का गुस्सा ऐसा है जैसे पूजा का कपूर यूं काफूर हो जाएगा लो, हम चूतियों की तरह फुलका बनाया जा रहे और इनका सावण है कि सूखते ही नहीं अबे है? खाना से के दुश्मनी है भाई काबिले लो शुरू करो देखो हमारे फुलका से ज्यादा थोपड़ा फुलाओगे तो गुस्सा आ जाएगा हमें हंसी बड़ी महंगी हो रखी है दुनिया में चिंता मत कर हम बात करेंगे उमी भैया से हम बात करेंगे उमी भैया से हाँ वो तेरी सुनेंगे जरूर उमी अब किसी की नहीं सुनने वाला ना तेरी ना मेरी ना इसकी ना किसकी उमी की कानों को अब एक ही आवाज भेज सकती है डोली की आवाज और डोली तो फ्रेंड है तेरी पुरानी नहीं हम शहर जाने दो चार दिन के लिए भाई साहब के पास चुनाव के चक्कर तब तक तू डॉली को पटा डाल ठीक वो ठीक से भी ठीक चलो आंख करो थोड़ा सा
पूरी जिंदगी में मुझे इतने प्यार से एक बार भी नहीं पुचकारा तूने। दूर। अच्छा हाँ ठीक है परेशान क्यों हो रही हो, आ रहे हैं ना देख लेंगे, हम इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आंटी जी, सीआईडी की रिपोर्ट है, हमारी जान को खतरा है। लो दो तीन दिन तो लगेंगे उन्हें दिलासा दिलाने में। दो तीन दिन फंडरेजिंग का काम तो हम भी शुरू कर सकते थे पीछे से। बात तो सही है। फिर चैन खींच दे बेटा। क्या हुआ भाई साहब? हाँ गाड़ी घुमा लो, इन्हें वापस पहुंचाना स्टेशन। हाँ जी हाँ जी। गोलू जब तुझे गन्ने का रस चाहिए होता है तो तू क्या करता है रे? ओमी काका की सर की चम्पी। इंदु दीदी जब आपको नया जेवर चाहिए होता है तो आप क्या करती हो? दिन भर देर टांग दबाना पड़ती है भैया। तो आपका काज हो तो जाएगा जी बस जी, पर आपको भी कुछ करना पड़ेगा केसु साहब जी, जो भी आप कहो। पक्का? पक्का। From the bottom of my heart. आप गाओ। And I mean it from the bottom of my heart. बाकी सब बढ़िया है, सिर्फ bottom. Bottom? Bottom? Bottom. Bottom of my bottom. बॉटम, यही तो बोला। अच्छा ठीक है आप यही बोलो। क्या? I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. ओमी भैया, अरे पर लंगड़ा भैया ने कहा था कि दो तीन दिन, अरे मरवा दिया ना मुझे। अरे कहाँ जा रही हो, तुम्हारे सामने ही बात करते हैं इनसे। नहीं नहीं नहीं, मेरी खाल उतार के पिंजर धूप में सुखा देंगे वो, मैं चला। केसु थाना ये? केसु? आप भीड़ा बस पीछे पड़ गए उस बालक के, ना आप हो गांव में ना मैं, डोली घर में अकेली है। पर मोटरसाइकिल तो उसकी लग रही थी। अरे वो केसु है अपना, कुछ चोर नहीं जो घर के मालिक को देख के भग पड़ेगा। अभी सर मैं बात कराता हूं उससे। हेलो, हाँ मेंटल बेटा केसु को फोन दे जरा। अच्छा ठीक है, ऐसा हम कर देना फिर। क्या हुआ? पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी। नहीं बे केसु, केसु नो स्टार्ट होने। लंगड़ा छुपा क्यों रहा है बे?
विश्वास होता नहीं कि वो कैसे था, और समझ में आता नहीं कि वो डॉली के साथ अकेले घर में क्या कर रहा था। I just call to say I love you. और मुझे देखकर भाग क्यों गया? I just call to say how much I care. I just call to say I love you. क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? जब भी बोलो ना, जब भी तुझे आग भर के देखता हूं तो एक बात भेजे में कौन थी है? क्या ये के यहां तक तू बहुत बड़ी लूल है या बहुत बड़ी चुड़ैल? इतनी खूबसूरत हो के मुझ जैसे पे दिल लगा बैठी। और चुड़ैल? कहीं तेरे इस रूप में कोई तंत्र मंत्र तो नहीं छुपा साड़ा?
पानी का झरना संग संग लागे संग ने संग ले जाऊं ओ पीहूर ओ साथी रे दिन डूबे ना जानवर पाल रखा तूने अंदर भूखा भूखा के चीता नारी खरगोश मेरा खाना नहीं खाएगा जग जा रे गुड़िया मिस्री की पुड़िया मीठे लगे दो नैना ओए हल्का सा कोसा सुबह का बोसा जाग जा रही अब मान जा नाक पे तेरी काटेगा बिच्छू जाग जा तो मान जा जो चाहे ले लो दशरथ का वादा नैनों से खोलो जी रहना लो खोल दिए अब जो चाहे मांग लो सोच ले
केसु को माफ कर दे। क्या हुआ? माफ कर दिया ना? वो नहीं हो सकता। क्यों? ऐसी गलती पे इतने सस्ते में छोड़ दिया तो जिंदगी भर नहीं सुधरेगा। तो जिंदगी भर नाराज रहेगा उसे? और आगे किसी से झूठा वादा ना करिए ओजी। बस आया बड़ा दशरथ का वादा। ठीक है, सदी में माफ कर दूंगा। अरे तो पंडित को बुलवा लो कठोर। पत्रियों के फेर से पूनम की तिथि बैठती है, शरद की पूनम। मतलब? मतलब अगले महीने की तीस। हाँ। ओ सुना, अगले महीने की 30 तारीख को सगुन है शादी का, यानी 5 हफ्ते में केसु की माफी पक्की। केसु की माफी पक्की। खुशी शादी की ज्यादा है या माफी की? बड़ा मोह है डॉली भाभी को अपने केसों के लिए। अद्भुत जी को पहले से जानते हैं क्या? एक कॉलेज में पढ़े हैं दोनों। अच्छा, तभी। तभी क्या? खोपड़ी में तो किचड़ भरी हुई साड़ी ना। लंगड़ा लंगड़ा, दिल में क्या है बोल। नहीं वो क्या है कि डॉली इतनी रूपवती है, केसु को तुम जानते हैं, तो कभी कभी इस कुत्ते मन में सवाल उठे कि कहीं कॉलेज में उसने डॉली को दूजी नजर से नहीं देखा होगा। केसु साला है तो बड़ा प्यारा लौंडा, तो नाड़े का थोड़ा ढीला है बेटी चोद। कोई बुराई नहीं होगी ओमी भैया, फिर शादी तक हम डॉली पे थोड़ी बहुत नजर रख लें। दुनिया बड़ी हरामी है और अपनी डॉली बहरी बहरी बोली। कच्चा सुपारी चूना डाल और 120 डालिए। ठीक है, ओरिजिनल है ना? किशु भाई, संयम बेटा संयम। अपने चुनाव तक तो रुक जा कम से कम।
चुप रहे तो गूंगे कहलाएंगे भाई साहब। इंदौर सिंह का खड़ा फर क्या? ठीक है, लेकिन वो अपनी शादी तक कुछ नहीं करेगा। शादी? अगले महीने का शगुन है ना। आपको कैसे पता? हमने बताया। आप लोग तो सर पर पैर रखकर ऐसे भागे कि हम पीछे से चिल्लाते ही रह गए, क्या हुआ क्या हुआ। फिर हमने केसु को बुलाया और सीधे यहाँ आकर रुके जी। बस पहले किचलू, फिर इंदौर सिंह। लंगड़ा शहर जाकर किचलू को दबाने की तैयारी शुरू करेगा और मेंटल तू बाबूलाल की मदद से इंदौर के बचे कुचे दिनों का टेम टेबल बनाएगा। इस शादी के कारण बांटेगा। अच्छी बात है भैया, हम कितना भी बोल लें तेरी पीर तो तेरी पीर ही रहेगी। तेरी भैन की टिकट साड़ा क्या आइडिया है? किचलू को दबाने का काम मेरे बदले तू कर, और ऐसा कर कि ओमी के हाथ में आ जाए। किचलू छुपा बैठा है, जब मिलेगा तब मिलेगा, पर तू चाहेगा तो यूं चुटकी में दबानेगा उसे। पूछ कैसे? अबे पूछ कैसे, तेरी वो बिल्लू है ना चमन बहार, इस धंधे की सीआईडी है। हिंदू के लिए लिया था, तू बिल्लू को दे दे। घड़ा महंगा लग रहा है लंगड़ा भैया, कितने का होगा? पागड़ है हुआ करे ससुरा। लंगड़ा भैया तू ही सच्चा दोस्त है मेरा रे। आजा आजा, अबे आ भी जा, घबरा ना, केसु दिल में नहीं रखता, बात थोपड़े पे निकाल देता है। केसु भैया छोटा बड़ा? अबे पागड़ है, उस दिन की पड़ी भूल गया क्या? अरे ये सुसरे शादी के कार्ड बांटेगा कौन? ये ए रज्जू। ये हाँ रज्जू बांटेगा, वैसे भी
डॉली के शादी का कार्ड बांटने का बड़ा अनुभव भी ऐसे नहीं। सूरज सुबह दक्षिण से उगने वाला है। काहे? पहले तो तू मुझे मल्टीप्लेक्स ले गया, फिर पिक्चर के बीच में पॉपकॉर्न भी लेकर आया, फिर लंच झील पे आइसक्रीम, माल रोड पे वॉक। रात खत्म होने को है और तू बिस्तर पे ले जाने का नाम नहीं ले रहा। दिल में है क्या तेरे? थक गया हूं बिलो। मुझसे? अपने अकेलेपन से। बताया नहीं तूने? क्या? घर बसाएगी मेरा? पागल हो गया, तबीयत खराब है तेरी, शादी करेगा? बिन लगाम के घोड़े घुड़साल में नहीं बनते कभी। ए बिल्लो, मजाक नहीं कर रहा मैं। जग भर में मुंह मार के देख लिया, पर तेरे पल्लू के खूंटे से परे गुजारा नहीं है मैं। ये देख, मन मेरी नहीं मान रहा है और मैं मन की। चल जा छुट्टे, विश्वास किया तेरा। हरामखोर, ओए हरामखोर, अब तो बता दे क्या काम है। जबाँ पे लगा लगा रे, नमक इश्क का है तेरे इश्क का। नमक इश्क का है रे तेरे इश्क का। बलम से मांगा मांगा रे, बलम से मांगा रे, बलम से मांगा मांगा रे, नमक इश्क का है रे तेरे इश्क का। जवाब लगा लगा रे, नमक इश्क का है रे तेरे इश्क का। सभी छेड़े हैं मुझको सिपहिया बाके सभी छेड़े हैं मुझको सिपाही बाके छमिए उधारी देने लगे हैं गली के बनिया बनिया। कोई तो काड़ी तो भी लुटा दे, कोई तो काड़ी आज थोड़े थोड़े शहद चटा दे, थोड़े थोड़े तेज थकड़ का करूं सीसी करती मैं मरूं। रात भर छाना, रात भर छाना छाना रे, नमक इश्क का
का है तेरे इश्क का रे तेरे। चंद्रभान ने पट से हो गई राजी मैं, बांसुर जैसी बाजी मैं पट से हो गई राजी मैं। हाय कभी अखियों से पीना कभी होठों से पीना, कभी अच्छा लगे मरना कभी मुश्किल लगे चलिए भाई साहब चलिए चलिए या निकल जा कहीं दो चार दिन के लिए, सीधा गांव में मिलेंगे शादी पे। रात के 2 बजे? हाँ भैया आधी रात के 2 बजे। ट्रिंग 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 ट्रिंग, मैंने तो उठा ली रिवॉल्वर। अच्छा, तोड़े अपने लौंडे आवाज और दांत फाड़ के धीरे से मुस्कुराए और बोले, घबराओ ना भैया, बिल्लू होगी। और सच में दरवाजा खुला तो रानी बिल्लू चमन बाहर अवतरित हुई और गुस्से में तन तनाई हुई जैसे राम जी का धनुष। मेरी तो चिरी फटी का मनी आर्डर और रजाई सर पे ढाप के मैं पड़ गया भैया। पर रजाई में ससुरा एक छेद भी था। अब मैं भी तो इंसान हूँ और थोड़ा सा कमीना भी हूँ। अब जाड़े की रात थी, केसू को ठरक चढ़े और बिल्लो हाथ ना लगाने दे। ओ तेरी। फिर केसू ने संदूक से एक जेवर निकाला, ये लंबा सा कमरबंद, भड़कीला जबरदस्त,
ऐसी खूबसूरत चीज तो गुरुजी आज तक नहीं देखी पहले कभी मैंने। अजी हाँ। हाँ। अंधेरे में ऐसा चमके था कमरिया पे कमर बंद कि लाइट की जरूरत ना पड़ी। फिर क्या, ना कमर बंद के ऊपर कुछ रहा ना नीचे, और जुगल बंद चालू। गए थे, कब से वेट कर रही हूं तुम्हारा। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? साइलेंट पे था, सॉरी। खाना लगाओ। नहीं, पानी लाती हूं। यहीं या कहीं और? अरे घर में ही कहीं होगा। चल, डर क्या? अब तो शादी के बाद कहाँ ना डर क्या। लगता है कुछ ज्यादा ही संभाल के रख दिया है कहीं। संदूक खा गया या अलमारी निगड़ गई? तीन पेड़ियों के जेवर को 3 दिन नहीं लगे तुझे कमाने में। देंगे ओमकार हम तोहफा? तेरे सिवा हमारा है ही कौन? हा तेरे लिए तो सारा जंग छोड़े बैठे हैं जी। बस जलयो रे
सूरज को भी रोज देर से आने की आदत पड़ गई है। एक है, लगता है कोई सोया नहीं रात भर खुशी में। अरे मेहंदी में ये हाल है तो शादी पे काजल उठाएगी मेरी दुल्हन। क्या हुआ? बोल ना। ऐसे टेसुए बहावेगी तो बाढ़ आ जाएगी गांव में। समझी, बाबा की याद आ रही होगी ना। चुप हो जा बावली, मैं हूं ना तेरी सब, बाबा माँ भैया दीदी। चल मैं के चल। अरे क्या हुआ, गिर गई? ओमी ने कुछ रोक इसकी तो यार भी सुन, पति की बात बताती हूँ तुझे। मेरी दादी कह रही थी कि अपने आदमी को थोड़ा भूखा थोड़ा प्यासा रखना बड़ा जरूरी है, वरना जिस दिन साड़े का पेट भरा उस दिन हलक में उंगली डाल के उलटते कताने, समझी? हंसी बड़ी महंगी रखी है दुनिया में। लो ये प्यासे भी निकल आए। स्टेशन से निकली है जी गाड़ी, इंजन से चौथे डिब्बे में है इंदौर। आप तो नहीं लोगे जी? केसु कहाँ है आजकल? पता नहीं, फोन करो तो आ जावे। दिस नंबर इज आउट ऑफ LBW। पर डॉली भाभी को जरूर मालूम होगा, उन्हें फोन करना नहीं भूलता वो कभी। लंगड़ा जी भाई साहब, एक चीज की बात बताएगा सच? हाँ जी भाई साहब, क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ हाँ कहना हमें। जरूर भाई साहब, पूछिए। केसु और डॉली का कुछ राड़ा है क्या?
जवान कटे मेरी जो बोर्ड भी बोर्ड भाई साहब। हाँ केड़ा अपनी जान से ज्यादा आपको मानू। हाँ केड़ा ये तो चाहती कर रहे हो अपने भाई के साथ लंगड़ा। हाँ केड़ा चले भाई साहब। कहाँ कहना कहना हाँ कहना हाँ कहना यही सुनना चाहते थे अपना ना सच सुनने का कलेजा सबके पास नहीं होता भाई साहब। अब किस मुंह से बोलो कि किसलो वाली रात जब मैं केसु के घर रुका तो नींद में तड़के तड़के बड़बड़ाते सुना था उसे कि डॉली जिंदा रहना है तो अपने प्यार को जिंदगी भर के लिए छुपा के रखना पड़ेगा। तुम दोनों के अलावा कोई तीजा भी था वहां? ना सपना देखे तो तू अकेला सपना सुने तो तू अकेला डॉली की आंखों में देखूं तो तेरी सारी रामायण कपट लागे है मुझे। अब सबूत ला समझा। शादी से पहले अगर सबूत नहीं लाया तो तेरी लाश लाकर सुहाग रात मनाने जाऊंगा मैं बहन चौथ। Ha ha ha!
राम जी की शादी है क्या? हैं? वहां चलो हमारे यहाँ लड़की वालों के घर। ओए कुमकर्ण की ताऊ, क्या करें यहाँ पे हैं? अरे चलो घर चलो, बहुत काज बाकी है। सारे दिन सुनाते रहते। अरे नाव धो और शीशे में चौकटा देखो अपना। पहले बड़े लाल लगे थे कि और सिंगार करा लाए शहर से। चुड़ैल साड़ी गोड़ी आ गई है तो सजवानी शुरू कर। आज सुबह सो के उठा ना तो माथे पे पेकूफ लिखा हुआ था, बड़ा बड़ा। जो मैं कह रहे हूं वो कर, वरना कल सुबह चूतिया लिखा पाएगा, बड़ा बड़ा। चाहिए है? डॉली बहुत हो रही है गोस्वामी भैया, आज तो शादी है, आज तो गले लगाना ही पड़ेगा बस। हाँ वहां नहीं रखना तंदूर, अरे हटाओ वहां से, बाथरूम है वहां, जानवर कहीं के कितने बनाया तुमको हलवाई। हेलो केसु, केसु तो नहीं जी, आप कौन? बिल्लो। ओहो बिल्लो जी, जी गुड इवनिंग। अजी केसु भैया तो अभी व्यस्त है जी, उसे फोन दो। नहीं जी, वो डिस्टर्ब करने का ऑर्डर नहीं। कहाँ ना फोन दो उसे। अजी कहाँ ना नहीं जा सकते, वो कमरा अंदर से बंद है जी। कौन है उसके साथ जी? सच में बोल नहीं सकता और छोटा आप मानोगे नहीं। हेलो 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 बिल्लो जी, हेलो बावली, कुछ नहीं होता सुबह रसोब, सब खेल है कुत्ते मन के। चल चुप हो जा, शादी के दिन मातम नहीं मनाते बेटा, चल तैयार हो जा। अब तुम मानती है कि बुलाऊं कारे को? हाँ बुलाऊं बुलाऊं बुलाई लो दीदी, कम से कम हमें पता तो चले कि क्या गुनाह कर बैठे हैं। ये तो वो ओंकार है ही नहीं।
जिसके लिए हम सब छोड़ा है। हमारा ओंकार तो हमें हथेली में फूल सा रखे था जी, बस अरे हुआ की है पता नहीं, सारा समय नाराज सा रहते हैं। एक बार तो हमें मारा भी। काल? एक छोटी सी चीज कहीं रखकर भूल गए हैं हम। कौन सी चीज? कोई भी चीज हो, हाथ उठाने का क्या मतलब है भाई? तू तो गोड़ू को बुलाई थी मेले में, मैंने कुछ कहा? अब मैं खबर लेता हूं अमी भैया की। चुप हो जा। अरे पगल दीन, मर्द और औरत में कढ़ाई करछी का रिश्ता होवे, अकेले रहवे तो मनहूसियत, और साले साथ रहवे तो कनाखन कनाखन कनाखन। मसी बड़ी महंगी रखेगी दुनिया में। अरे क्या शिमला कश्मीर, हम बताएं, अपनी शादी की 25वीं सालगिरह को हम अपनी मिसेज को लेकर गए थे टिम्बक्टू। टिम्बक्टू? तो 50 रुपए क्या करने का इरादा है भाई साहब? उन्हें वापस ले आएंगे टिम्बक्टू। एक चुटकुला हम भी सुनाए। लो ये अपने आप में एक चुटकुला। एक बार एक आदमी की शादी हुई, फिर खत्म। सारी दुनिया से झूठ बोल रहा आप, पर हमारा उल्लू नहीं खींच सकता। उदासी उबल उबल के बाहर आ रही आंखों से। बहन मानती हो ना अपनी? कहाँ कीड़ा दिमाग में लगाए बैठे हो? सारा वक्त इसके बाप की आवाज कानों में गूंजती रहे। जो बड़े बाप को ठग सकती है, किसी और की सगी क्या होगी? तेरी चरित्र है ना, जब ग्रंथों ने कलंक को हमारे माथे की बिंदी बना दिया है, तो आपकी क्या गलती है अमी भैया? हम अपने घर बाहर नाते सब त्याग कर आप लोगों के संसार में नंगे हाथ चले आते हैं। अग्नि से भी निकल जावे ना, तो भी सगे ने ठगे ही कहलावे। अभी भी पक्का है उम्मीद भैया, जरा सी भी शंका हो ना तो बारात के आना माथा मारे। हम डॉली को संभाल लेंगे।
अगर सबूत नहीं मिला तो तेरी कमी नहीं महसूस होने दूंगा इसे। क्या हुआ? मुझे बिल्लू ढूंढ रहे आपको गांव में। इस वक्त? जी। और बहुत गुस्से में। मैंने उसे लंगड़ा भैया के यहाँ भेज दिया। आप बात कर लो आप लंगड़ा भैया से। हाँ बोर्ड केसो। हाँ है ऊपर, पर थोड़ी दुखी लग रही है आज तेरी लैला है। क्या बात है? अरे दुखी तो मैं हो गया हूँ लंगड़ा भैया, सारे ये सब के पचड़े में पड़ बैठा। के 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 किसके पचड़े में? अरे ये सुसरे ये सब के जंजाल है जी का। पहले ही बढ़िया था ना इसके ना उसके, ये दिए किसके। शादी से पहले ही हार कर रखा है। शादी के बाद तो लस्सी फेंट के मक्खन निकाल देगी मेरा। आप ही समझाओ ना लंगड़ा भैया उसे, काहे बखेड़ा खड़ा कर रही है। आज शादी हुई है कम से कम, आज तो बगस समझाओ ना लंगड़ा भैया उसे। अरे दिल्लो तू यहाँ किससे लड़ा रहा था आधी रात में? क्यों काट क्यों दिया? पूरी कर लेना बात। अरे बिल्लू तू गलत समझ रही है, चल अंदर। छोड़ मुझे, सब सही समझ में आ रहा है मुझे। तेरी रगों में हराम जात की है साले। मौका मिलने पर तू अपनी माँ बहन को भी बिस्तर पे ले जाने से नहीं चुकेगा। ए बिल्लू बस, क्या हुआ है? किसकी बीवी के कमर से उतार के लाया था ये?
अरे तू बात सुनेगी मेरी? इस जन्म में तो नहीं। अरे पागल हो गई है मिलो। रुक। अरे बात सुनना मेरी। वापस जाऊं सर? जान दो ना भैया प्लीज। तेरा यार तो गया जी। तेरा यार केसु, तेरा तोहफा भी अपने साथ नहीं ले जा सका। अरे कहाँ मिला ये मुआ? अपनी नौटंकी नंगी हो चुकी है तू। नदानी बड़ी भद्दी लग रही है तुझ पे। से गर्म कर रही है केसु का बिस्तर। अच्छा इतना तो बता दे, पहली बार कब सोई थी उसके साथ? कहीं कोई बच्चा बच्चा तो नहीं ठहर गया ना?
कुछ कमी रह गई थी अब मैं सोई हुई ना अपने बाप की सगी हुई ना किसी और की दरिया चरित्र जनार्दन
झूठ बोल रहे हो अमित भैया, हमें फंसाना चाहती है। लगता है उसका भी राडा किसी के साथ चल रहा है। अरे भगवान से ज्यादा आपको मानूं, इसलिए अब जो जानते हो बस वही जानो। मेरे सच और मेरे झूठ में मैं अब कोई फर्क नहीं आएगा। दाग दो माथा, मुक्ति कर दो मेरी। शरीर से तो मुक्ति मिल जाएगी, मगर आत्मा से कभी मुक्त नहीं होने वाले, ना तू ना मैं। जग जारी गुड़िया मिसरी की पुड़िया, मीठे लगे दो नैना, नैनों में तेरे हम ही बसे थे, हम ही बसे हैं है ना। और रानी गुड़िया जग जारी, अरे जग जा मरी जग जा, जग जा रे गुड़िया मिसरी की पुड़िया, मीठे लगे दो नैना। कोसा सुबह का बोसा मार जा रही, अब जाग जा, नाक पे तेरे काटेगा बिच्छू, जाग जा तू मान जा, जो चाहे ले लो दशरथ का वादा, नैनों से खोलो जिक रहना। ओरी रानी गुड़िया जग जा, अरी जग जा मोई जग जा।
कितना नीचता है हम आपकी नजर में होमी भैया। ओए कठोर, एक और बोल बोला कहानी खत्म। खत्म होने के लिए कुछ बचा है? याद है